हे गाइस, मैं हूँ नितेश पवार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 27 नवंबर 2021। सो आज का दिन मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी स्पेशल दिन है आज मेरे लिए, क्योंकि आज एक साल पहले मेरा एक ड्रीम कंप्लीट हुआ था। मैंने मेरी एक ड्रीम की बाइक परचेज की थी जिसका नाम है डोमिनार 400 और जिसको मैं हल्क बोलता हूँ। सो आज उसका बर्थडे है, तो अभी मॉर्निंग में अभी मैंने तैयारी किया है, केक वगैरह ऑर्डर किया है और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पूजा का थाली भी रेडी है और ये केक है जो मैंने ऑर्डर किया है बाइक के फ़ोटो का। तो आज बाइक का बर्थडे है तो उसके लिए एक स्पेशल पर्सन भी आया है, देखो देख सकते हो एक स्पेशल पर्सन आया है। अदु हाय कर। सो मेरा भांजा आया है आज बाइक का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो अभी नीचे चलते हैं और केक वगैरह कट करते हैं और थोड़ा फ़ोटो वगैरह निकालते हैं अपनी बाइक का। तो चलो चलते हैं अभी नीचे। सो गाइज, अभी नीचे बाइक की पूजा की और केक वगैरह कटिंग किया, तो काफ़ी इन्जॉय किया मैंने और मेरी फैमिली ने। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा चलता हूँ यहाँ के बीच पे, मनोरी बीच पे, और वहाँ पे चल के मैं आपको पूरा रिव्यू देता हूँ बाइक का कि मेरा एक साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलो अभी मैं डायरेक्ट आपको मिलता हूँ बीच पे। 1 2 3। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ मनोरी बीच पे और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये पूरा मनोरी बीच है, काफ़ी अच्छा बीच है। तो चलो अभी मैं थोड़े आपको शॉर्ट्स दिखाता हूँ यहाँ के बीच के, फिर चलते हैं बाइक के रिव्यू पे। गाइस अभी शुरू करते हैं रिव्यू। सो करीबन एक साल पहले मैंने ये बाइक परचेज़ किया था और ये मेरी ड्रीम बाइक थी जिसको मुझे लेना था। सो मैंने अच्छी खासी सेविंग किया, फिर उसके बाद मैंने ये बाइक मैंने परचेज़ किया। तो खुद के पैसे से सेविंग की हुई बाइक वगैरह लेना या कार लेना एक अपने में ही काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। तो काफ़ी खुश हुआ मैंने जब भी मैं बाइक लेने के लिए गया, तभी तो वो टाइम पे थोड़ा पेंडेमिक सिचुएशन थे, कोविड वगैरह था, इसलिए ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन वगैरह नहीं किया। बट इसलिए मैंने थोड़ा आज अच्छे से केक वगैरह कटिंग किया और बाइक का पूजा वगैरह करके ऐसे एक छोटा सा इवेंट एक किया। तो ओवरऑल अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है बाइक का। जब भी मैंने बाइक लिया तभी कोविड के चलते दो
चार महीना मुझे कहीं राइड करने मिला ही नहीं। फिर मैं उसके बाद मैंने शिरडी राइड किया, भंडारदरा राइड किया, फिर उसके बाद अभी मैंने मॉरीशस गया था, फिर उसके बाद मैं जुन्नर और भीमा शंकर वगैरह राइड किया। तो राइडिंग के टाइम काफ़ी रिलैक्स लगता है बाइक पे, बाइक का पोजीशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इन्जॉयमेंट लगता है चलाते टाइम। तो अभी आगे इन फ्यूचर बहुत प्लान्स है कि राइड वगैरह करें, थोड़ा थोड़ा लंबा राइड वगैरह करें, बट अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है डोमिनार के साथ। और गाड़ी का एवरेज भी 400 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, हाईवे पे काफ़ी अच्छा माइलेज देता है। सो गाइस, जब भी मैं भंडारदरा अपनी बाइक लेके गया था, तभी वहाँ पे मैंने एक बार अपनी बाइक गिरा दी थी। तो एक्चुअली वो वहाँ का रोड था वो काफ़ी ख़राब था, इसके वजह से मेरी बाइक गिर चुकी थी, पर बाइक को इतना डैमेज हुआ नहीं था, उसके गार्ड थे वो थोड़े टेढ़े हो गए। तो उसके बाद मैंने अपनी बाइक के ऊपर काफ़ी मॉडिफिकेशन किया है, मैंने गार्ड भी बिठा दिया है और यहाँ पे ये सपोर्टर भी लगा दिया है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किए अपनी बाइक के ऊपर, तो ताकि अभी इन फ्यूचर कभी मेरी बाइक गिरेगी तो ज़्यादा कुछ डैमेज ना हो। सो गाइस, अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस डोमिनार के ऊपर काफ़ी अच्छा रहा। सो होप करता हूँ कि अभी ये बाइक एटलीस्ट 3-4 साल तक अच्छे से रहे और अच्छा खासा लंबा राइड हो इसके ऊपर। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ अभी तो मैं फ़िलहाल। सो ऐसे ही उसके बर्थडे हम लोग मनाते रहेंगे। तो चलो, अभी ये ब्लॉग को मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ, बट ये बीच भी आपको दिखाना था तो थोड़ी बहुत आप शॉर्ट्स देखे रहेंगे, बट ये बीच मनोरी बीच काफ़ी अच्छा है और कंपेयरली गोराई से तो यहाँ पे क्राउड बहुत कम रहता है, काफ़ी अच्छा बीच है। आप देख सकते हो अभी पीछे के साइड में भी सनसेट हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइज, अभी ये ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए रहोगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो, अभी आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।